अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फिर हाज़िर हूँ एक नई रेसिपी के साथ। आज हम बनाएंगे मटन यखनी पुलाव, जो बहुत इजी और मज़ेदार बनता है। तो इसके लिए आप मेरी वीडियो ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले आपको चाहिए एक प्लेट के अंदर, मैंने 1 टेबलस्पून यहाँ पर धनिया लिया है साबुत, 1 टेबलस्पून सौंफ ली है, 1 अदद दालचीनी और 1 टेबलस्पून ज़ीरा, 2 टीस्पून मैंने सॉल्ट लिया है, 2 स्टार एनीस, 5-6 इलायची और 5-6 पीसेस अदरक लहसुन के हैं, और 1 प्याज जिसको मैंने काट लिया है 4 हिस्सों में। ये तकरीबन 1 किलो गोश्त है मटन का। इसके अंदर मैं 6 ग्लासेस ऑफ वाटर डाल दूँगी। फिर मैंने जो अपना मसाला निकाला था वो मैं इसके अंदर डालूँगी। गैस को ऑन करके मैं इसको बॉईल करूँगी। ये जब तक बॉईल करना है जब तक गोश्त हमारा गल नहीं जाता। सारी चीज़ें को अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा और इसको कवर करके बॉईल करिए। मटन बहुत अच्छे से गल चुका है तो अब मैं इसको निकाल रही हूँ। ये देखिए, एक प्लेट के अंदर आपको निकालना है और जो इसकी यखनी थी वो अलग बाउल के अंदर निकाल लीजिए। ये बहुत आसान रेसिपी है, इसको फटाफट बन जाता है, बहुत इजी लगता है और बहुत मज़ेदार भी बनता है। तो यखनी हम एक बाउल में निकाल लेंगे किसी भी छन्नी की मदद से। अब एक पतीली में तेल डालिए और उसके अंदर प्याज लाल करिए। मैंने यहाँ पर 2 प्याज़ें ली हैं। अब मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है तकरीबन 2 टेबलस्पून, फिर 1 टेबलस्पून मैंने हरी मिर्चों का पेस्ट डाला है और इसके बाद वो बॉईल हुआ हुआ गोश्त, इसको अच्छे से भूनिए। 1 कप मैंने दही डाली है और इसको भूनना है। अब हमारे मसाले जाएंगे, 1 टीस्पून पिसा हुआ धनिया, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर और 1 टीस्पून गरम मसाला, 2 हरी मिर्चों को छोटा छोटा काट कर भी आप डाल सकते हैं, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अच्छा से भून लीजिए ताकि गोश्त बहुत अच्छे से मसाला उसके अंदर घुस जाए। फिर 2 ग्लासेस जो वाटर में हमने सोक किए हुए थे अपने राइस, वो आपको डाल देने हैं और फिर आप इसके अंदर अपनी यखनी डाल दें। थोड़ा सा मिक्स करना है, बहुत ज़्यादा नहीं कि चावल टूटे नहीं। सॉल्ट हम नहीं डालेंगे क्योंकि यखनी के अंदर ऑलरेडी सॉल्ट डाल दिया था। तो बस आपको पानी चेक करना है कि पानी इतना हो कि राइस आपके अच्छे से गले और बिल्कुल खिले खिले बने। तो थोड़ा सा मिल्क लें, उसके अंदर मैंने जर्दी का रंग डाला है, जब पानी खुश्क हो जाए उसके ऊपर डाल दीजिए। फिर आप गार्निश कर दीजिए हरी मिर्चें छोटी छोटी काट के, या फिर हरा धनिया जो भी आपके पास अवेलेबल है, और प्याज फ्राई करके वो भी डाल सकते हैं, अगर नहीं है तो ना भी डालें। को आप कवर कर दीजिए और दम लगा दीजिए। और ये देखिए, ये तैयार है। मैं इसको ट्रे में निकाल के सर्व कर रही हूँ। देखिए कितना खूबसूरत कलर आया है और बहुत मज़े का, बहुत मज़ेदार बना है। तो आप भी ज़रूर बनाइए और मुझे बताइए कि आप लोगों का कैसा यखनी पुलाव कैसा बना। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो आप इसको लाइक करिए और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा।